ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर जगदलपुर में मंगलवार को रैली निकाली गई, जिसमें किशोरियों समेत महिलाओं को पीरियड के दौरान स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। आपको बता दें कि निशा स्वर फाउंडेशन व वाड़ा वेलफेयर ग्रुप के बैनर तले जगदलपुर में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर रैली निकाली गई है। तो यही रैली में किशोरी और महिलाओं को पीरियड के दौरान साफ सफाई के प्रति संदेश दिया गया है। रैली में शामिल फाउंडेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को साफ सफाई का ध्यान खासा तौर पर रखना जरूरी है और इसकी अनदेखी करने पर महिलाओं को कई तरह की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इस दौरान महिला पुलिस ने किशोरी और महिलाओं को अभिव्यक्ति ऐप के बारे में भी जानकारी दी। आज से तेरी सारी दुनिया है बदल गई, आज से तेरा मासिक धर्म आ गया। आज से तेरी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आज के दिन हम आवारी दिवस मना पाएं और इसमें सभी हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और जितने भी हमारे शासन हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, नर्सिंग कॉलेज हैं और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी यहां पे सोसाइटी के साथ हमें यहां पे सहयोग दे रहे हैं एक अच्छी रैली निकालने के लिए, जहां पे हम सभी मिलके एक जो टैबू यहां पे है कि मेंस्ट्रुअल यानी कि पीरियड्स को छुपाया जाता है महिलाओं के थ्रू, उनके द्वारा हुए जाने वाले बीमारियों को छुपाया जाता है। हमारी ये कोशिश है इस रैली के थ्रू कि हम उन्हें बता पाएं कि हम महिलाओं में इतनी शक्ति है कि पीरियड्स को हमको अभिशाप के रूप में नहीं, एक वरदान के रूप में लेते हैं लेना चाहिए, क्योंकि ये सभी नॉर्मल है हमारे लिए। जैसा कि आप जानते हैं जीव हमारे यहाँ की मातृशक्ति यानी कि माता ही है, तो माता से ही जीवन है, माता से ही भारत है। हम इस नुक्कड़ नाटक के जरिए ये बताना चाह रहे हैं आपको कि अपने मासिक धर्म को लेकर आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। साफ सफाई को लेकर आप जिस भी प्रकार की पैड या फिर कपड़ा यूज अगर आप करते हैं तो एक ही कपड़े को बार बार यूज ना करें, पैड यूज करें और पैड को एसेप्टिक रूप से आप लेकर उसे जलाएं और एक जगह पे उसे इकट्ठा करें, ताकि उसके द्वारा एनवायरमेंट जो इफेक्टेड होता है उस एनवायरमेंट से होने वाली बीमारियों से आप और मैं बच सके और अपने स्वास्थ्य को हम ध्यान रख सकें, क्योंकि मासिक धर्म के समय में हमको स्वच्छता नहीं रखना हमारे शरीर के लिए जोखिमदायक हो सकता है। जी, स्वास्थ्य विभाग जो है इस आज के विश्व महावारी स्वच्छता दिवस को बहुत ही महत्व देता है और ये जो आज का दिन है वो बहुत ही खास है पूरे विश्व में, कि जिस तरह से इस दिवस को छुपाया जाता था या बहुत ही कह सकते हैं कि इसके बारे में बातें नहीं की जा सकती थी और न ही इसको उजागर किया जाता था, तो ये आज के समय में स्वास्थ्य विभाग जो है इसको उजागर करने के लिए, इसको प्रचार प्रसार करने के लिए और जागरूकता प्रदान करने के लिए आज शहर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। अभिव्यक्ति ऐप के बारे में है, आप विशेष परिस्थिति पर जैसे आपको कहीं जा रहे हैं, अचानक दुर्घटना हो गया, अगर आपके साथ छेड़खानी हो रहा है और उस समय आपको पुलिस की जरूरत पड़ रही है तो आप थाना आने में दूरी हो जाता है, आप तत्काल रिपोर्ट करना है तो आप अभिव्यक्ति ऐप के जरिए आप तुरंत तत्काल रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसे वहाँ पास में जो थाना रहेगा उसके जरिए आपको सहयोग मिल सकता है, इसके लिए अभिव्यक्ति ऐप का फायदा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।